आज हम बनाएंगे एक ऐसा मजेदार नाश्ता जिसे मैंने सूजी और कच्चे आलू से बनाया है। अगर आप इसे एक बार बना करके खा लेंगे ना, तो आपका मन बार बार करेगा इसे बनाने का और खाने का। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस मजेदार नाश्ते को बनाना। कच्चे आलू से नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं। ये मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी साइज का आलू हो तो आप एक आलू ले लेना। ये मेरे पास तो मीडियम साइज के आलू थे, इसलिए मैंने ये 2 आलू लिए हैं। अब हम इसको छील लेते हैं। ये देखिए, मैंने आलू को छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इसको धो लिया है। अब हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं। ये बड़ी साइज के कद्दूकस से हम इसको कद्दूकस करेंगे आलू को, ताकि बड़े लच्छे निकले इससे। ये एक आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसको फटाफट पानी के अंदर डाल देते हैं, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब हम इसी तरीके से दूसरे आलू को भी कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसको भी पानी के अंदर डाल देते हैं। अब हमें इससे अच्छी तरीके से इन लच्छों को धोना है, ताकि इसके अंदर जो स्टार्च है ना, वो सारा निकल जाए। हम इसे 3-4 बार फ्रेश पानी से धोएंगे। इस तरीके से धो करके इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं इसे। ये देखिए, इस तरीके से निकाल लेंगे और 3-4 बार धो लेंगे इसे। हमें इन लच्छों को तब तक धोना है जब तक ये स्टार्च निकलना बंद ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से पानी साफ हो जाएगा ना, तब तक हमें इसे धोना है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। चलिए, अब हम इनको कुक कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रख दिया है और इसके अंदर 1 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। इसको हम गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर राई डाल देंगे। इनको अच्छे से चटकने देते हैं। ये हरी मिर्च है, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। ये आलू है कद्दूकस किए हुए, ये भी अब इसके अंदर भून लेते हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च, इसको भी मिला लेते हैं। वैसे इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं। ये 1 चम्मच नमक है, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। ये हरा धनिया है कटा हुआ, ये भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 कप पानी की मिक्स कर लेते हैं। 1 कप हम सूजी लेंगे, तो 2 कप मैंने पानी लिया है। अब हम इन आलू के लच्छों को 60% तक कुक कर लेते हैं। इसे ढक्कन लगा करके कुक कर लेते हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं, इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हमें वैसे भी इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, आलू के लच्छों को। अब इन्हें हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 70% ही हमें इनको पकाना है। अब हम इसके अंदर सूजी कर देते हैं। कच्चे आलू और सूजी का नाश्ता है फ्रेंड्स ये। एक बार आप इसे बना लोगे ना, तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये मैंने 1 कप सूजी ली है। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो, तो आप जार में डाल करके उसे ग्राइंड कर लेना। अब हम इसको इसके अंदर मिला लेते हैं। हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ऐसे चलाते रहना है। ये देखिए, किस तरीके से बनाएंगे हम इसको। एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डाल देंगे तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे, तो हमें इसे चलाते रहना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम इस सूजी को भी अच्छे से पका लेते हैं। आलू और सूजी का इतना ज़बरदस्त नाश्ता है ये। अगर आप एक बार बना लेंगे ना, तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चे आपसे डिमांड करेंगे इसी नाश्ते की। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और इसे ढक्कन लगा करके 3-4 मिनट तक पकाएंगे। सूजी को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी सूजी भी पक चुकी है। अब हम इसको ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं।
अब हम एक ट्रे लेंगे। अब हम इसके अंदर घी या फिर ऑयल लेकर के इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा बैटर ये इसके अंदर चिपके ना। आप इसे थाली या फिर प्लेट में जमा सकते हैं इस बैटर को। ये लीजिए, ट्रे ग्रीस हो चुकी है। अब हम इस बैटर को इसके अंदर डाल लेते हैं। अब हम इस ट्रे के अंदर इसको जमा देते हैं इससे। अब हम एक ऐसी कटोरी लेंगे फ्लैट, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, एक जैसा कर लेते हैं ऐसे इस कटोरी से। ये देखिए मैंने इसको एक जैसा कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं और आधे घंटे के लिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर हम इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए, हमारे नाश्ते को 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको अभी भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन हम इसको फ्राई करेंगे। टेप आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मैं इनके दो पीस और कर लेती हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से दो पीस करके भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसके चार पीस कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे चार पीस भी कर लेंगे तो भी ये देखने में भी अच्छा लगेगा और फ्राई भी हो जाएगा हमारा। ये देखिए, अब इन सभी पीस के हम चार पीस कर लेते हैं, ऐसे ट्रायंगल में कट कर लेंगे इस तरीके से। चलिए, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इस नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, जब हल्का सुनहरा कलर आ जाएगा ना तभी हम इसको पलटेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इन्हें फ्राई होते हुए। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। इनका हल्का सुनहरा कलर हो चुका है। अब हम इसे पलट लेते हैं इसे। फिर से इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। बस हमें ऐसा ही गोल्डन कलर करना है इनको, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे हम इनको। ये देखिए, बस ऐसा ही इसका कलर करना है हमें। अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। इनको भी हम उसी तरीके से 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे और फिर अलटते पलटते हुए इनको भी फ्राई कर लेंगे वैसे ही। ये लीजिए, हमारा टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बनकर के तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से भी। तो आप इस तरह से आलू और सूजी का चटपटा नाश्ता बनाइए और बच्चों को दीजिए। एक बार ऐसे बच्चों को बना करके दे देंगे ना तो आपसे बार बार यही बनाने को कहेंगे। आप इस नाश्ते को हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये नाश्ते बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।